अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आगामी रेजाज़ अली है। मैं कारवान सैयद सादिन का MD हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं केसेस के ताल्लुक से ये बोलना है कि सब जगह ये अफवाह फैली है और सब हकीकत भी समझ रहे हैं इसको कि पैसा लेके भाग गए और पकड़ गए और सब रकम रकम से बोल रहे हैं सब, लेकिन ये सब झूठ है। हम तकरीबन एक साल से 12,000 से 13,000 तक पब्लिक को भेजे हैं उमरा ज़ियारत पे। अब बाकी बचे हैं 4,000 पब्लिक। 12,000 13,000 को भेज के 4,000 तक उनका पैसा लेके भागना ये नामुमकिन की बात है। उनका पैसा कुछ डोनर्स के इंतकाल के होने की वजह से वो 4,000 का पब्लिक का पैसा उन ज़ायरीन पर खर्च किए, और ये 4,000 पब्लिक का उनका भी सोल्यूशन होने ही वाला था। उन्हें भी जाने ही वाले थे, लेकिन हम रमज़ान में तो 1500 आदमी जाने वाले थे और 1500 आदमी का तकरीबन उनके भी वीज़ा लग चुका था, और 2-3 दिन में 15 हम डेट दिए थे पब्लिक को कि 15 से 17 रमज़ान तक भेजने वाले, लेकिन 9 रमज़ान को गलत गलत बातें बोल के केस करवा के अंदर रखा दिए। ये भी गलत बात है कि हम बेंगलोर में भाग रहे थे, एयरपोर्ट में जा रहे थे, लेकिन ये सब झूठ है। हम सहरी करके बेंगलोर के होटल में आराम कर रहे थे, लेकिन हमारी मुखालिफिन हमारे खुद दोस्त होकर धोखा दिए, उन्होंने सब साथ में रह के धोखा दिए, उन्होंने कुछ गलत गलत बातें बोल के केस करवाए, साथ में रह के प्रोटोटोर से पुलिस बुलवा के ऐसा ऐसा भाग रहे थे, इन्हों कमरे में बंद करके रखे थे इनको, ऐसा ऐसा बोल के सब गलत बातें बोल के उनको हमको पकड़वाए ऐसा। लेकिन हम कहीं भाग रहे थे, हम डोनर्स की मीटिंग के लिए बेंगलोर गए थे, रमज़ान था, डोनर्स आने वाले थे, बाहर कंट्री से आने वाले थे सब, तो उनके इंतज़ार में थे। 2 दिन में वो आके हम उन्होंने बोले भी थे भाई आप फिक्र मत करिए, हम 2 दिन में आ रहे हैं, आके हम आपका कुछ ना कुछ करेंगे आपका, आप फिक्र मत करिए बोल के उन्होंने डोनर्स का ये बात थी उनकी, तो उनके इंतज़ार में थे। लेकिन ये जो पब्लिक जो अब हमारे मुखालिफिन थे हमारे साथ में थे, उन्होंने वो पब्लिक का प्रेशर ऐसा है बोल के उन्होंने केस करवा दिए। और गुलबर्गा का भी 280 लोग अप्रैल के हैं, 75 लोग रमज़ान के हैं, और कुछ लोग जो मार्च में जाने वाले थे उनका भी वीज़ा के प्रॉब्लम होने से, ना महरम का प्रॉब्लम होने से उनका रुक गया है। इंशाल्लाह जैसे चेयरमैन सब बाहर आएंगे उनका पहले सेटरेट करेंगे, उनको पहले भेजेंगे, अगर वो जाना चाहते हो तो उनको पहले भेजेंगे, अगर नहीं जाना चाहते उनका पैसा वापस मांग रहे हैं तो इंशाल्लाह उनको पैसा उनको वापस अदा करेंगे उनको। और गुलबर्गे में भी कई ऐसे मैसेजेस वायरल हुए कि निज़ाम बाबा और मुदस्सिर बाबा दोनों पैसे खा लिए बोल के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्होंने सब पैसा कंपनी को ही पे करा, सब पैसा हर एक पैसा उन्होंने एक एक पैसा हाजी का पैसा सब कंपनी को ही पे करें, इंशाल्लाह वो सब एक एक पैसे का उनको वापस उनको अदा करेंगे इंशाल्लाह। किसी का पैसा हम ना डुबाए हैं ना डुबाएंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन साहब अभी अंदर हैं, वो बाहर आके सब इंतज़ाम करके आपको अपना पैसा आपको अदा करेंगे। हमारा कारवान कम पैसे में लेके जा रहा है, 50,000 की जगह 25,000 में लेके जा रहा है, 35,000 में लेके जा रहा हूँ, तो इसके वजह से रूमर्स ज़्यादा हो गए और मुखालिफिन ज़्यादा हो गए। आप इन बातों में मत आइए, आप 50,000 की जगह 25,000 लेके आपको उमरा कराएं। आप जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं कितने लोग हैं, आज तक 300 लोग गुलबर्गा से गए, अभी बाकी 300 लोग बाकी हैं, और गुलबर्गा में कंप्लेंट हुई बोल के सुना मैं, इंशाल्लाह गुलबर्गा आकर और वहाँ पे एसपी साहब और डीसी साहब को भी रिप्रेजेंटेशन देने वाला हूँ मैं, और इंशाल्लाह इसमें किसी का हाथ नहीं है इसमें, कोई साहब अपना पैसा हाथ पैसा नहीं लिए उन्होंने, किसी का पैसा नहीं है, सब पैसा ज़ायरीन का पैसा हाजियों का पैसा कंपनी तक पहुँचा है उन्होंने, इंशाल्लाह वो हाजी का हर एक पैसा उनको वापस मिलेगा इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ पुलिस भी हमको हक का साथ देंगे, कारवान का साथ देंगे इंशाल्लाह। अभी थोड़ा मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इंशाल्लाह, फिर भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन सबका पैसा सबका हक अदा करेंगे इंशाल्लाह। किसी की बातों में मत आइए आप, आपको मुखालिफिन भड़काते जाएंगे कि केसेस करो केसेस करो, लेकिन आप उनके बातों में मत जाइए। आप जितने केसेस करेंगे उतना टाइम ज़्यादा पीछे बढ़ेगा, और थोड़ा वक्त दीजिए हमको, चेयरमैन साहब बाहर आएंगे, जल्द से जल्द आपका हक अदा करेंगे। ये मैटर डिले इस वजह से हो रहा है कि हमारा ऑपरेटर हमारा मैनेजर शेख गैबू है नाम, वो केस कराने की वजह से और उसके ऊपर से डर के दूसरे लोग भी केस कराने में 6-7 केस कर दिए, तो एक केस होता तो जल्दी बाहर आके सबका अकाउंट क्लियर हो जाता था, लेकिन एक केस के ऊपर एक केस करने से मजीद केस होने से वो इतना लेट हो रहा। और एक गलत अफवाह है कि 200 करोड़ 300 करोड़ का स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा कंपनी का टर्नओवर ही 39 करोड़ का है। कड़पा CCS ने इन्वेस्टिगेशन सब इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने अपने रिकॉर्ड में डिक्लेयर कर दिया है कि पूरा 39 करोड़ का टर्नओवर है इनका, और उसमें से 13,000 पब्लिक को भेज दिए और 4,000 पब्लिक का बैलेंस है। हमारा कारवान सब सेटरेट होके फिर से आगे बढ़ने की दुआ कीजिए आप। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।